इस मूवी के सभी पात्रों के नाम मैंने अपने हिसाब से रखे हैं ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो। तो मूवी स्टार्ट होती है जहां पर हमको एक गरीब परिवार दिखाया जाता है। गरीब इतना कि इनके पास इंटरनेट भी नहीं है, पड़ोस का वाईफाई कनेक्ट करके अपना एंजॉयमेंट कर रहे होते हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि गरीब हो तो भाई सब काम करो, पर इनकी कहानी ऐसी है कि इनके देश में बेरोजगारी कुछ ऐसी है कि पढ़ लिखे होने के बावजूद भी ये परिवार हो रहा है परेशान, और अपना घर चलाने के लिए परिवार कर रहा है छोटे मोटे काम। इसको हम बुलाएंगे राजू, और राजू की बहन को हम बुलाएंगे रजनी, राजू के पापा को बुलाएंगे रामू, और रामू की बीवी को बुलाएंगे रामवंती। तो अभी ये चारों ही अपना घर चलाने के लिए पिज्जा के बॉक्स बनाते हैं और जितना भी थोड़ा मोड़ा पैसा मिलता है उससे अपना घर चलाते हैं। कि तभी एक दिन राजू से मिलने उसका एक कजन आता है जिसको हम बुलाएंगे सूरज, जो की आया है इनकी फैमिली में उजाला करने। वो रामू से करता है बात और कहता है चलो बाहर मेरे साथ, हम लोग थोड़ा बहुत खाएंगे और थोड़ी बहुत बातचीत भी करेंगे। सूरज कहता है देखो राजू, तुम्हारे अंदर टैलेंट बहुत है और मेरे पास तुम्हारे लिए एक जॉब है। वो जॉब पहले मैं करता था, पर अब मैं जा रहा हूँ शहर के बाहर, तो मैं चाहता हूँ मेरा काम अब तुम करो। तो मेरा काम था दरअसल एक अमीर से घर में जाकर एक लड़की को पढ़ाना, और जैसा कि मुझे मालूम है कि तुम पढ़ाई में नंबर वन हो, तो तुम मेरी जगह जाकर उसको पढ़ाओ, पर सिर्फ उसको पढ़ाना, उससे दिल मत लगाना क्योंकि मेरा दिल उस पे आया है। राजू कहता है ओके। तो देखो, अब राजू ने अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी थी वही पैसों की तंगी की वजह से, तो वो अपनी बहन की मदद से एक फेक डॉक्यूमेंट बनाता है और उसी जगह पर चला जाता है जहां पर सूरज एक लड़की को ट्यूशन दिया करता था। अब जहां पर राजू को उस लड़की को पढ़ाने जाना था वो घर एकदम बेहतरीन होता है, और तभी यहाँ पर राजू को एक आंटी बुलाती है। राजू कहता है नमस्ते आंटी। तभी आंटी कहते है नहीं नहीं बेटा, मेरे को अपनी चापलूसी मत दिखाओ, अंदर जाओ, मैं तो सिर्फ इस घर में नौकरानी हूँ। राजू कहता अच्छा अच्छा। तो पहले राजू उस लड़की की माँ से मिलता है। इस घर की मालकिन इस औरत को हम बुलाएंगे मिसेस सिंघानिया, और पति को बुलाएंगे सिंघानिया। तो मिसेस सिंघानिया कहती है देखो राजू, मैं घुमा फिरा कर बात नहीं करूंगी, बात है इतनी सी कि पहले मैं तुम्हारा टेस्ट लूंगी कि तुम कैसा पढ़ाते हो। अब राजू को बिल्कुल भी डर नहीं था, राजू को भरोसा था अपने ऊपर कि वो अच्छा पढ़ाएगा। और जिस लड़की को राजू को पढ़ाना है उस लड़की को हम बुलाएंगे स्वीटी। तो राजू स्वीटी को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाता है और मिसेस सिंघानिया ये देखकर एकदम खुश हो जाती है, और खुश होकर मिसेस सिंघानिया राजू को थोड़े एक्स्ट्रा पैसे देती है और कहती है कि तुमने काफी अच्छे तरीके से पढ़ाया। कि तभी यहाँ पर एक बच्चा आता है। दरअसल मिसेस सिंघानिया और सिंघानिया के दो बच्चे होते हैं, पहला स्वीटी और दूसरा स्वेटर। स्वेटर बहुत खतरनाक होता है, खतरनाक इन द सेंस मतलब शरारती होता है, और अंट संट गधे का सॉरी वैसी पेंटिंग बनाता है। पर राजू को यहाँ पे चापलूसी करनी थी। राजू कहता है वाओ व्हाट एन आर्ट पीस, आपका बेटा तो पिकासो का 14 है, उसमें बहुत टैलेंट है। तब मिसेस सिंघानिया कहती है हाँ वो टैलेंटेड तो है, पर मुझको उसके लिए आर्ट टीचर चाहिए। तब राजू कहता है हाँ मैं एक लड़के को जानता हूँ जो कि अच्छी आर्ट सिखाती है और साथ ही साथ वो एक साइकाइट्रिस्ट भी है, बस वो थोड़ी महंगी पड़ेगी आपको, अगर आप चाहो तो मैं उससे आपके बेटे के लिए बात कर सकता हूँ। तो मिसेस सिंघानिया कहती है हाँ बिल्कुल बात कर लो। और वो लड़की कोई और नहीं, राजू की बहन रजनी होती है। और अगले दिन राजू अपनी बहन रजनी को यहाँ पर ले आता है, पर वो मिसेस सिंघानिया को ये नहीं बताता कि रजनी उसकी सगी बहन है। और जब यहाँ पर स्वीटी इन दोनों को देख रही होती है तब स्वीटी की चलकी ज्वालामुखी हो जाती, क्यों? क्योंकि स्वीटी को राजू पसंद आ गया। और अब स्वीटी राजू से कहती है कि सुनो राजू, मुझे तुमसे हो गया है फुका हुआ प्यार। और राजू भी सोचता है ऐसा मौका नहीं मिलता हर बार कि इतनी अमीर घर की लड़की मेरे प्यार में पड़ गई, सूरज इससे प्यार करता था पर ये तो मेरे प्यार में गिर गई। और बस यहाँ पर राजू भी इसका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेता है, और इसके बाद दोनों अपने होठों को गीला करते हैं। और रजनी भी स्वेटर को अच्छे से पढ़ा रही थी। अब जब रात हो जाती है तब यहाँ पर आते हैं सिंघानिया। तो सिंघानिया कहते हैं रजनी से कि तुम अकेले मत जाओ, मेरा ड्राइवर तुमको घर तक छोड़ देगा। पर रजनी नहीं चाहती थी कि ये ड्राइवर उसका घर देख ले, नहीं तो उसको मालूम चल जाएगा कि राजू इसी का भाई है। पर रजनी यहाँ पर एक काफी खतरनाक हरकत करती है, वो अपनी जालीदार अंडरवियर को इस गाड़ी की सीट के पास छुपा देती है जहाँ पर मिसेस सिंघानिया बैठते थे। और वो ऐसा क्यों करती है ये हमको मालूम चलेगा बस एक ही मिनट के अंदर। अब इनकी फैमिली के पास थोड़ा बहुत पैसा आ चुका है और अब फाइनली ये लोग पेट भर के खाना खाते हैं काफी दिनों बाद। और दूसरी तरफ सिंघानिया को अपनी कार की सीट के पास से रजनी की जालीदार अंडरवियर मिलती है, और सिंघानिया सोचता है अबे मेरा ड्राइवर तो काफी ठरकी है, ये साला मेरी कार में ही मेरी सीट पर अपनी गर्लफ्रेंड के साथ गुजारता है संस्कारी रात। और सिंघानिया घर आके ये बात अपनी बीबी को बताता है। वो कहता है हमारा ड्राइवर तो बहुत बेकार है यार, मैंने उससे कभी नहीं कहा कि तू अपनी गर्लफ्रेंड के साथ एंजॉय मत कर,
पर यार मेरी कार में मेरी सीट पर। और अब मिसेस सिंघानिया काफी घबराई आती हैं कि यार ये ड्राइवर तो काफी अजीब है। और मिसेस सिंघानिया अगले दिन रजनी से पूछती है कि जिस ड्राइवर ने तुमको छोड़ा था वो तुमसे कैसा बर्ताव कर रहा था। तो रजनी कहती है वो तो ठीक ठाक बर्ताव कर रहा था, बस वो बार बार मेरा घर देखना चाह रहा था। मतलब आप लोग समझ रहे हो रजनी कितनी चालाक है, धीरे से बुराई करी। और ये बात मिसेस सिंघानिया के दिमाग में बैठ जाती है और वो रजनी से कहती है कि मैं अपने ड्राइवर को निकालना चाहती हूँ काम से, पर परेशानी ये है कि कोई नया ड्राइवर इतनी जल्दी कैसे मिलेगा जो कि भरोसेमंद हो। तब रजनी कहती है कि मेरे रिलेटिव में एक आदमी है जो कि अच्छी गाड़ी चलाता है, उनको काफी एक्सपीरियंस है। तो मिसेस सिंघानिया कहती है अरे ये तो अच्छी बात है, कल तुम मेरे पति के ऑफिस में उनको भेज दो। और ये ड्राइवर कौन होता है? साक्षात रजनी के पिताजी रामू। तो अब रामू को भी इनके घर में जॉब मिल जाती है। अब रजनी स्वेटर पर ध्यान देती और स्वेटर की बहन स्वेटी राजू पर। और यहाँ पर राजू को पता चलता है कि इस घर में पीच नहीं आता, पीच यानी कि ये वाला फल, क्योंकि इस घर की मेट को उस फल से एलर्जी है। और अब ये तीनों मिलकर बनाते हैं एक मास्टर प्लान उस मेट को इस घर से निकालने का और उसकी जगह रामपति को इस घर के अंदर एंटर करने का। मतलब आप लोग समझ रहे हो इस फैमिली को एक ने उंगली पकड़ाई और ये लोग उसके गले तक पहुंच गए। रजनी यहाँ पर धीरे से पीच का पाउडर इस मेट के आसपास डाल देती है और इस मेट को इसी टाइम पर खांसी आती है। और इतने में ही यहाँ पर आ जाती है मिसेस सिंघानिया और उनको ऐसा लगता है कि ये मेट बीमार है। कि तभी यहाँ पर रामू कहता है कि ऐसी खांसी तो टीबी के मरीज को होती है। और जिस टिश्यू पेपर को इस घर की मेड ने इस्तेमाल किया था, रामू उस टिश्यू पेपर के पास रेड कलर की स्याही डाल देता है। और अब मिसेस सिंघानिया तो घबरा जाती है कि एक टीबी का मरीज मेरे घर में खाना बनाता है, मेरे बच्चों के आस पास जाता है, उससे तो हमको भी खतरा हो सकता। और मिसेस सिंघानिया को काफी दुख के साथ इस मेड को काम से निकालना पड़ता है। अब वो ऐसा नहीं करना चाहती थी क्योंकि ये मेड काफी सालों से उनके लिए काम कर रही, पर क्या करें, मिसेस सिंघानिया के दिमाग में वो चीज बैठ गई है कि ये मेड हमारे घर में खतरा है एक तरह से। पर घर का काम करने में मिसेस सिंघानिया का तेल निकल जाता और ऐसी मूवमेंट पे हमारी रजनी आ जाती है और कहती है अरे आप परेशान मत हो, एक मेड है मेरी नजर में, अगर आप कहो तो मैं उसकी आपसे बात करा सकती हूँ। तो मिसेस सिंघानिया कहती है हाँ हाँ जल्दी बात कराओ, मेरे बस की नहीं ये सब घर के काम करना। और हम सभी को मालूम कि वो औरत कौन होगी, जाहिर सी बात है रजनी की माता जी। मिसेस सिंघानिया, स्वेटर, स्वेटी, इन चारों को बिल्कुल भी नहीं अंदाजा है कि रामू, रजनी, राजू, रामपति एक ही परिवार है। खैर अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। तभी एक दिन मिसेस सिंघानिया प्लान बनाती है सिंघानिया के साथ अपने बच्चों को बाहर ले जाकर घुमाने का। और घर में कौन होता है? ये चारों लोग। अब ये चारों ही लोग इस घर में खूब इंजॉय करते हैं, खूब पार्टी करते हैं, खूब खाते पीते हैं, पूरा सामान इधर से उधर बिखरा होता है क्योंकि उनको मालूम था कि सिंघानिया और मिसेस सिंघानिया एक दो दिन बाद लौटेंगे। पर बाहर का मौसम काफी खराब था और इसीलिए सिंघानिया और मिसेस सिंघानिया अपने प्लान को कैंसिल करते हैं और आधे ही रास्ते में अपनी गाड़ी को वापस घर की तरफ मोड़ देते हैं। और तभी इस घर में घंटी बजती है और इस घर के बाहर थी इस घर की पुरानी मेड। वो कहती है कि मुझे प्लीज अंदर आने दो, मेरा कुछ सामान इस घर के अंदर रह गया। और रामवंती मजबूरी में गेट खोल देती है और जैसे ही रामवंती गेट खोलती है ये पुरानी मेड काफी रफ्तार में खाना लेकर बेसमेंट की तरफ बढ़ती है। वो बेसमेंट के पास एक अलमारी खिसका रही होती है और जैसे ही वो लोग यहाँ से अलमारी खिसका लेते हैं, रामवती क्या देखती है कि यहाँ पर एक सीक्रेट दरवाजा है। अब इस पुरानी मेट को भी नहीं मालूम कि घर में काम करने वाले चारों लोग एक ही फैमिली के सदस्य हैं, पर रामवंती को एक नई बात मालूम चलती है कि इस पुरानी मेट का हस्बैंड इसी बेसमेंट में रहता है। काफी सालों से ये पुरानी मेट अपने पति को यही छुपा कर रखती है, वो उसको खाना पीना देती रहती थी, जब घर में कोई नहीं रहता था तब इंजॉय करती थी। पर रामवंती कहती है कि मैं ये बात मालिक को बता दूंगी। कि तभी यहाँ पर राजू का पैर फिसल जाता है और ये तीनों ही पुरानी मेट के सामने आ जाते हैं और इन दोनों को ही मालूम चल जाता है कि रामवंती और ये तीनों लोग फ्रॉड हैं, ये एक ही परिवार के सदस्य हैं। और वो इन चारों की वीडियो बना लेती है और कहती है कि मैं ये वीडियो सिंघानिया को दिखाऊंगी। और अब इन चारों और इन दोनों के बीच लड़ाई हो जाती है और ये लोग कोशिश करते हैं कि वो लोग ये वीडियो डिलीट कर दें जो कि इस पुरानी मेड ने बना ली। कि तभी यहाँ पर मिसेस सिंघानिया, स्वीटी और स्वेटर चारों आ जाते हैं गेट के बाहर और उनके पास तो हाउस की की थी, तो वो लोग दरवाजा खोल लेते हैं। और इतने में ही ये चारों लोग जल्दी जल्दी इस घर को
पहले ऐसा करने की कोशिश करते हैं। रामू पुरानी मेट को बेसमेंट में ले जाता है। राजू और रजनी यहाँ पर सफाई कर देते हैं और रामू पुरानी मेट के हस्बैंड को भी बांध देता है और पुरानी मेट वापस ऊपर चढ़ने की कोशिश करती है कि तभी रामवंत यहाँ पर उसको एक लात मार के नीचे गिरा देती है। पर यहाँ पर इस पुरानी मेट के सिर पे काफी गहरी चोट लगती है और रामू भी यहाँ पर उसकी मदद नहीं कर सकता और अब रामू यहाँ पर अपने आप को लॉक कर लेता है और रजनी और राजू यहीं पर छुपे होते हैं सोफे के पास। और आज भाई साहब सिंघानिया और मिसेस सिंघानिया प्लान बनाते हैं कि वो सोफे के पास ही सोएंगे। चलो सोने तक तो ठीक था। वो लोग यहाँ पर संस्कारी होने लगते हैं। दोनों एक दूसरे के लिए अपने हाथों का इस्तेमाल करते हैं और इनकी हरकतों से उत्पन्न होने वाली आवाजों को राजू, रजनी और रामू तीनों सुन रहे होते हैं। अब रामू मौका पाकर उस बेसमेंट से बाहर आ गया था और रात में मौका पाकर ये तीनों यहाँ से निकल जाते हैं। और दूसरी तरफ बेसमेंट में पुरानी मेड और उसका पति था, जहाँ पर इस पुरानी मेड के पति को मालूम चलता है कि उसकी बीवी को सिर पर काफी गहरी चोट आई और अगर उसका इलाज नहीं कराया गया तो वो मर जाएगी। और होता भी कुछ वैसा ही है, ये पुरानी मेड बेचारी मर जाती है। और जैसे ही होता है नया सवेरा, हमको क्या मालूम चलता है कि आज स्वेटर का बर्थडे है और उसके बर्थडे को यहाँ पर सेलिब्रेट करने के लिए मिसेस सिंघानिया अपने सभी फ्रेंड्स को बुलाती हैं, साथ ही साथ राजू और रजनी को भी। अब रामू यहाँ पर मिसेस सिंघानिया को शॉपिंग करवा रहा था और राजू स्वीटी के साथ कमरे में अपना मौसम बना रहा था। और दूसरी तरफ रजनी परेशान है कि हम लोगों को पुरानी मेट से बात करना पड़ेगी कि आखिर आगे क्या करना है। पर इस रजनी को क्या मालूम कि पुरानी मेट हमेशा के लिए चेक इन मेट हो गई। पर तभी यहाँ पर स्वीटी का ध्यान भटकाकर हमारा राजू इस बेसमेंट में आने का फैसला करता है और जो पुरानी मेट का पति था वो यहाँ पर खुल चुका था और वो राजू पर हमला कर देता है और राजू जो पत्थर लेकर आया था उससे उसी का सिर फोड़ देता है, क्योंकि इस पुरानी मेट के पति को काफी ज्यादा गुस्सा आ चुकी थी क्योंकि उसको प्यार करने वाली उसकी पत्नी ऊपर जा चुकी थी। और ये आदमी बाहर निकलकर सबसे पहले कुछ खाता है और पहुंच जाता है बाहर चाकू के साथ और कर देता है रजनी के सीने पे वार। और बस इतने में ही मच जाता है यहाँ पे हड़कंप और सब लोग यहाँ से भागने लगते हैं। और इतने में ही रामवंती आकर इस आदमी को मार देती है और अब रामू और रामवंती घबरा जाते हैं कि अब उनकी बेटी को कैसे बचाया जाए। और जो सिंघानिया था वो यहाँ से भागने की फिराक में था, उसको घंटा फर्क नहीं पड़ता कि रजनी कितनी घायल अवस्था में है। और रामू को इस बात पे काफी गुस्सा आ जाती है और रामू वो बड़ा सा चाकू लेकर सिंघानिया के सीने पे कोप देता है और यहाँ से भाग जाता है। और अब कुछ दिनों बाद हमको दिखाया जाता है राजू, जो कि यहाँ पर बच चुका था, पर अब राजू के सही होने के बाद इनको कोर्ट के सामने प्रस्तुत किया जाता है क्योंकि इनके परिवार ने एक दूसरे परिवार के साथ धोखेबाजी करी। तो आप लोग सोच रहे होंगे परिवार, पर दो और लोग कहाँ पर हैं? तो देखो, रामू है लापता और रजनी का इस दुनिया से हमेशा के लिए नाता टूट चुका है। वो इतनी बुरी तरीके से घायल हो गई थी कि उसी समय उसने अपने प्राण त्याग दिए थे। और अब कुछ दिनों बाद राजू अपने पिता को ढूंढने के लिए बार बार उस घर के आसपास जाता और एक दिन वो रात में नोटिस करता है कि इस घर की लाइट बार बार लुपचुप हो रही। तो ये पहले जमाने में लाइट के जरिए एक संदेश दिया जाता था और राजू इस संदेश की टाइमिंग को रिकॉर्ड कर लेता है कि जैसे टिक 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 टिक। अब सुनने में काफी अजीब लग रहा होगा पर ऐसे ही काम करता है। और जब राजू इस मैसेज को शब्दों में कन्वर्ट करता है तब उसको मालूम चलता है कि राजू के पिता रामू इसी घर के बेसमेंट के अंदर है। वो राजू से कह रहे हैं कि मेरी चिंता मत करना, मैं यहाँ पे आराम से रह रहा हूँ, मुझे खाने पीने की कोई प्रॉब्लम नहीं है, जब ये परिवार सो जाता है तब मैं चुपचाप से ऊपर आकर अपने लिए खाना ले जाता हूँ और मैं अपने आगे की जिंदगी ऐसे ही बताना चाहता हूँ। मैं ये मैसेज हर रात बनाता हूँ और मुझे उम्मीद है कि किसी ना किसी दिन ये मैसेज तुम्हारे तक पहुँच जाएगा। और अब राजू हमारा ये कसम खाता है कि वो काफी पैसा कमाएगा और अमीर होकर एक दिन उसी घर में जाएगा और उस घर को खरीद लेगा और अपने पापा को बाहर निकाल लेगा। और बस यही पर ये मूवी थी एंड हो जाती है। तो इस मूवी से हमको यही सीखने को मिला कि ज्यादा लालच बुरी बला है। अब आपको इस मूवी से क्या सीखने को मिला, कमेंट में अपनी राय जरूर बताना और टेलीग्राम पर जरूर आना क्योंकि वहां पर एक सरप्राइज आपका वेट कर रहा है।